कि मेरा आज का मौजूद है डाटा कलेक्शन का तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आप समझना चाहते हैं कि मैं आपको डाटा कलेक्शन के बारे में बताऊँ और कितने संजीदा हैं इस चीज़ के बारे में कि जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये पूरी लाइफ का मेरा तजर्बा है तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं आपको करूं, ये पेश करूँ ये मौजूद और आप के अंदर कितनी संजीदगी पाई जाती है कि मैं अपनी लाइफ का तजर्बा आपसे शेयर करूँ और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे ये पूरे मैं आपको आज के शो में तफ़सील से बताऊँगी तो देखने के लिए मेरे साथ रहिए इम्पॉटेंट चीज़ सीखने की इसमें ये है थोड़ा सा फ़ेसबुक की दुनिया से निकल कर व्हाट्सएप की दुनिया से निकल कर ये थोड़ा सा इस डाटे के बारे में जायज़ा लीजिए जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि ठीक होंगे तो जैसे कि मैं आप लोगों के गोश गुजार कर रही हूँ हर हफ्ते कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के तजर्बात तो मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स इनसे सीखें बल्कि जो लोग किसी भी शोबे में काम करें वो भी इनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं तो मीडिया पे आने का मकसद ये है कि आप लोग जल्दी से फ़ायदा हासिल करें और जो चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा साल लगा कर लाइफ की बड़ी सख्त चोट खा कर सीखी वो आप लोग आसानी से सीख सकें और आपको फ़ायदा हो तो आज मैं बात करूँगी डाटा कलेक्शन के बारे में डाटा कलेक्शन एंड इट्स यूजेज। तो किसी भी शोबे के लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं जैसे कि मैं इसको वजाहत करती हूँ कि जब हम किसी भी दफ्तर में या किसी भी शोबे में किसी अस्पताल में किसी भी जगह पर काम करते हैं तो वहाँ पर कुछ खाता जात अंदर जात या कुछ तफासिल बनाई जाती हैं तो इसको हम कहते हैं कि जमा करते हैं और अपने पास रखना ज़रूरी है तो इसको हम कहते हैं डाटा कलेक्शन या इसको एक आसान लफज और टर्म इस्तेमाल की जाती है दफ्तरी ज़ुबान में जिसे हम कहते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग इसे आप कह लें डाटा कलेक्शन या रिकॉर्ड कीपिंग बात एक ही है तो अब इसको आप नोट करते जाइए साथ साथ के जहां आप काम कर रहे हैं ये पॉइंट्स आप नोट कीजिए कि उस खाते को आप अपने पास नोट किते जाइए अपने ख़ास शोबे को हर शोबे को आप कैप्चर नहीं कर सकते अगर आप मिसलिनियस वर्क करेंगे तो बाद में आपके काम नहीं आएगा जिस आप डिपार्ट में काम कर रहे हैं उसके तफासल आपके पास होनी चाहिए उनको सिर्फ़ पास नहीं रखना उनको ख़ुद से नोट करें अपनी डायरियाँ बनाएँ और ज़ाया नहीं करना कि आपके पास अच्छा रिकॉर्ड जमा होता जाए ये इसलिए हम जमा करते हैं कि एक तो उस टाइम पे प्रॉब्लम टेकिंग में आपके काम आता है और उसके अलावा बाद में अगर आपने किसी किसी और जगह पर काम करना है या इंटरव्यूज देने हैं या कोई बेहतर लेवल पर जाना है या लाइफ में आगे कुछ मकाम बनाना है आसानी से तो ये खाता आपके काम आता है इसमें मकसद ये है कि पहले नंबर पे ये कि आपको स्टडी करना आना चाहिए अगर आपको ये पढ़ना नहीं आता अपना डाटा लिखा हुआ या आपकी कोई महारत नहीं थी फिर इसका फ़ायदा नहीं है जमा करने का फिर आप ना करें फिर आप इस वर्क को दोबारा कंटिन्यू करें तो इसको आपको स्टडी करना आना चाहिए और ये नीज ये कि ये क्या है डाटा और इसका मफहूम क्या है ऐसा ना हो कि आपको इस पर ग्रिप ना हो इसका मुख्तलिफ तरीक़ों से कम्पेरिजन भी तैयार कीजिए ताकि आपको पता हो कि इसका मुख्तलिफ तरह से क्या मानी निकलती हैं और ये क्या इंडिकेट कर रहा है और इसके नतज निकालिए फारि वक्त में बैठ कर इसको सिर्फ लिखना नहीं है इसको पढ़िए खुद कि आपने क्या लिखा इसके मुख्तलिफ तरह के नतयज निकालिए पर्सेंटेज वाइज और फिर उन्हें स्टडी कीजिए और देखिए कि क्या आपको कुछ समझ आती है दूसरी बात यह कि आपने ये लिख लिया मान लिया कि आपके पास डाटा बन गया इस शोबे के किसी माहरीन से गुफ्तु भी कीजिए उन्हें कुछ वक्त उनका लीजिए कुछ अपना वक्त उन्हें दीजिए फारग टाइम में इस शक्ल को जारी कीजिए कि आपको पता हो कि आपने लिखा क्या था और आपका इसका फ़ायदा क्या हुआ इसकी क्या इसके डिटेल्स क्या हैं इसके नुकसान क्या निकले इसका फायदा क्या है ये इंडिकेशन किस तरफ कर रहा है ये डाटा इस पर कुछ ग्राफ बनाइए इस पर कुछ मज़ीद इस पर मालूम हासिल कीजिए जो कि आपको माहरीन दे सकेंगे इस तरह आप इसकी मजीद जो डायमेंशन है डाटे की उसको जान सकेंगे अपने डाटे पर इन्हसार ना कीजिए माहरीन की राय लीजिए और उसको नोट कीजिए कि इस तरह आपको इंफॉर्मेशन को समझने का फायदा होगा ये कि आपका विजन कुछ अपने ही डिपार्ट के लोगों से बेहतर हो जाएगा जब आपका विजन बढ़ जाएगा तो फिर आपको ये मेरी बात की भी समझ आ जाएगी कि विजन को हम क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं ये डाटे के थ्रू बाकी ये कि मज़ीद कंपनीज को अगर आपने चेंज करना है या मज़ीद जगहों पर काम करना है तो फिर इस डाटे का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपने किस तरह काम किया कहाँ काम किया उस जगह का कुछ रिकॉर्ड रखा फिर आपने फिर किसी और जगह काम किया उसका कुछ रिकॉर्ड रखा उनको कंपेयर कीजिए जब आपको कंपेयर करना आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने इसके ग्राफ बनाने हैं कैसे इसे इस इस इस्तेमाल करना है और इसका मतलब क्या निकालना है तो एक जगह काम करने का शायद इतना ज्यादा फायदा ना हो डाटे का जितना बाकी जगहों पर और मुख्तलिफ मल्टीपल डाटाज इसको कहते हैं मल्टीपल डाटाज कलेक्शन जितनी ज्यादा कंपनियों में जितने ज्यादा दफातर में या कुछ लोकल में और कुछ इम्पोर्टेड कंपनियों में आप काम करेंगे तो उतना ज्यादा आपको फ़ायदा हासिल होगा कि आपके पास मुख्त तरह के रिकॉर्ड बन जाएंगे और आपको उन पर ख़ास दस्तरस हासिल हो जाएगी जो आम फहम सोच की सोच की विजन से बला तर हो जाएगी तो इस तरह आपका विजन भी बढ़ेगा आपका काम करने का मैार भी बढ़ेगा और आपको फायदा हासिल होगा बल्कि मैं कहती हूँ कि कंपनीज को चेंज कीजिए और उनके रिकॉर्ड्स का कंपेरिजन जरूर बनाइए ताकि आपको पता चले कि लाइफ है क्या इस तरह फायदा आपको पहले नंबर पर ये हो जाएगा कि आप मैनेजर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे मैनेजर का मतलब है कि वो पर्सन जिसे पूरी एक दस्तरस हासिल है अपने शोबे के ऊपर मुख्तफ डाटाज का जैसे मैंने बताया कि कंपेरिजन जरूर तैयार करें आपका काम करने का एक तो विज़न बढ़ेगा जैसे मैंने पहले बताया और एक आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाएगा चीज़ों को देखने का एक आम आदमी जिस तरह माशरे को चीज़ों को या वर्क को देखता है आपका उससे बहुत ब्रॉड विज़न हो जाएगा बाकी ये कि अगर आपने रिकॉर्ड तो रखा पढ़ा ही नहीं कभी या आपको इसमें संजीदगी नहीं थी इस पर दस्तरसी हासिल नहीं थी तो फिर आप लिखते गए और उसको ज़ाया करते गए इसका फायदा नहीं है कि अगर आपने बाद में उसको संजीदगी से लिया नहीं या बाद में कभी चेक नहीं किया कि आपने क्या रिकॉर्ड रखा था या आपने उस पर रिसर्च ही नहीं की उसको बढ़ाया नहीं रिकॉर्ड तब आपको फ़ायदा देगा जब आप इस पर उस दौरान काम करते रहे और आपने कुछ फ़ायदा हासिल किया आपने उस पर कुछ वक्त दिया बाद में रिकॉर्ड सिर्फ रखना काम नहीं है रिकॉर्ड को कुछ वक्त भी देना पड़ेगा बाद में तो ये पॉइंट्स आप नोट की, करते जाएं आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे कि रिकॉर्ड रखना तो है ही रिकॉर्ड को कुछ टाइम भी देना है आपने फिर उस रिकॉर्ड पर जो लोग पहले से काम कर रहे हैं या उससे मिलते जुलते लोग हैं काम कर रहे हैं आपके इर्द गिर्द उन माहरीन से मिलना जैसे कि मैंने पहले बताया वो जरूरी है कि वो उस डाटे के बारे में क्या कहते हैं जो आपने रखा फिर आपको ये बताया कि जिस रिकॉर्ड के बारे में आप इल्म नहीं रखते उसके बारे में आप कन्फ्यूजन का, का शिकार रहेंगे आपको फायदा नहीं होगा तीसरी चीज रिकॉर्ड से जो मिलता जुलता है आपका डाटा मज़द उसका मुताया कीजिए अपना मुता व सीख ये ओवरऑल मुताले की बात नहीं कर रही मैं कि आपने फिक्शन भी पढ़ी आपने स्टोरीज़ भी पढ़ी ये जिस डेटे को आपने रखा है जिस चीज़ में आप काम कर रहे हैं ये उस डेटे की बात हो रही उसके बारे में अपनी मालूम बढ़ाइए रोज़ कुछ ना कुछ वक्त दीजिए और आपकी मालूमत फ़ाइव परसेंट टैन परसेंट जैसे जैसे बढ़ेंगी आपको अपने जो लिखा हुआ डाटा उसका यूज़ भी प्रॉपरली समझ आएगा और मज़ीद भी कुछ आपको हवाले मिल जाएंगे उससे मिलते जुलते तो इस तरह से मखसूस फ़ील्ड में मुताल ज़रूर कीजिए अगली चीज़ जो मैं अपने हर शोज में कहती हूँ और इसमें भी कहूँगी इसमें मैं आपको इस डेटे के हिसाब से बताती हूँ कि इस शोबे के जिसमें आप पढ़ पढ़ रहे हैं या जिस जिसपे काम कर रहे हैं इसके माहरीन के साथ अपनी बैठक को बढ़ाइए ताकि आप अपने फेस से आगे जा सकें और जब तक आप माहरीन में नहीं बैठेंगे एक तो आपको अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं होगा आपको अपनी इल्मी स्तारत का पता नहीं चलेगा आप अपने से ज्यादा काबिल लोगों में बैठेंगे तो आपको आगे सीखने का जज्बा मिलेगा तो इस तरह से रिकॉर्ड मैं कहूंगी कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह कि डाटा या रिकॉर्ड कभी फालतू नहीं होता यह सबसे कीमती दौलत है जो वक्त के साथ आप गेन करते हैं और इसकी बेस पे फिर अल्लाह ताला पैसे भी आपको देते हैं लेकिन यह है कि असल चीज वो पैसा चीज नहीं है जिसे आपने कमाना है असल चीज ये डाटा है इसको भी आप एक दौलत समझिए कि यह एक नॉलेज का सोर्स है जिसे आप जमा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में काम ले सकेंगे इसके बाद कुछ मैंने मजीद लिखा है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्या एक मखसूस जगह का डाटा काफ़ी है तो नहीं आप एक मखसूस जगह पर काम कर रहे हैं आपने डाटा रखा लेकिन अगर आपने मुख्तु जगहों पर काम किया तो उन सब जगहों का डाटा रखिए उसका ग्राफ बनाइए और उसका अनालिसिस डेवलप कीजिए जब तक आप एनालिसिस नहीं बनाएंगे मुख्तफ जगहों का मुख्तिक दफातर का आपको दूर रस नतज हासिल नहीं होंगे कि उस दफ्तर में ये हुआ था तो ये आपने रेक्ट किया इस दफ्तर में ये वर्क किया तो आपने इस तरह रेक्ट किया ताकि आपके पास मुख्त तरह के कम्पेरिजन तैयार होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परसेंटेज सीखने की कैसे बढ़ेगी और आपका जहन कुछ काम करने लगेगा बाकी इंपॉर्टेंट चीज सीखने की इसमें यह है कि आप एक जगह का डाटा आपके पास आ गया लेकिन आप अब दूसरे दफ्तर में वर्क करने चले गए तो आप चाहते हैं कि उस डाटे को आप एज इट इज लागू करें तो यह एक बड़ा ब्लंडर हो सकता है इसको आपने सीखना कि एक जगह के बेशक आप एक ही शोबे में मूव कर रहे हैं आप एक जगह के डाटे को दूसरी जगह ब्लाइंडली सेम नतज के लिए भी यूज नहीं कर सकते ये एक बड़ी मिस्टेक होगी हर जगह मुख्तफ है प्रोसेस चल रहे मुख्तफ प्रोडक्ट्स हो सकती हैं ये अगर सेम प्रोडक्ट भी तो भी आपको उस डेटे को कन्वर्ट करके दोबारा बनाना पड़ेगा आप उससे हेल्प ले सकते हैं आप उसकी रोशनी में कुछ ना कुछ जायजा ले सकते हैं चीजों का हाँ आपके पास पहले से डाटा है मौजूद तो आप जल्दी सीखेंगे आगे क्योंकि आपका एक तजर्बा हो चुका लेकिन उस डेटे को आप एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप आपको नई जगह पर लोगों के जहन के हिसाब से चीज़ों के हिसाब से वहाँ के माहौल को जानते हुए उस प्रोडक्ट को जिस पर आप काम कर रहे हैं उस सब चीज़ों को जानते हुए नए तरह से डाटा बनाना पड़ेगा और यही असल आपकी काबिलियत है कि आप पिछले डाटे को थोड़ा थोड़ा यूज में लाते हुए उसकी रोशनी में नए डाटे को बना सकेंगे हाँ फायदा ये होगा कि आप वो चीज़ें जल्दी कर सकेंगे आपको असर इनो नहीं करनी पड़ेंगी हाँ लेकिन ये है कि दोनों जगहों पर सेम भी काम हो रहा है तो आप डाटे को फिट नहीं कर सकते ब्लाइंडली वो एक गलती होगी बाकी नया रिकॉर्ड आपको तश्कील देना है हर जगह और उसको चेक करना है उस पर हाँ ये है कि आपको आपके काम क्या आएगा कि आपकी महारत हो जाएगी आप जल्दी जल्दी डाटे को बनाते चले जाएंगे और हर जगह पर आप इसको यूज़ कर सकेंगे बाकी ये कि अपने पास इसे अच्छे तरीके से सेव कीजिए मैं कहती हूँ कि डिजिटली भी सेव करें लेकिन आप अपनी नोटबुक्स भी बनाइए जो मेार एक डायरी रखने का होता है वो किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता एक तो वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं आप उसको ख़ुद पढ़ सकते हैं बाकी ये है कि आपको याद रहेगा कि आपने किस मौके पर क्या बात लिखी थी क्या नतीजा निकाला था और दूसरी चीज़ मैं कहती हूँ कि कलम का यूज़ एक अपना यूज़ है जिससे आप फरामोश नहीं कर सकते ये जो माहरीन की राय आप लेते हैं इसे आप लेंगे इसी हिसाब से कि आप कलम के थ्रू लेंगे उनके आप नाम उनके हवाले उनका टाइम पीरियड लिखिए और उसको आप यूज़ कीजिए और माहरीन की कलम को अपनी डायरी पर इस्तेमाल करवाइए हमेशा और उसको उनकी लैंग्वेज में लिखवाइए ये आपके लिए एक फ़खर का बायस भी होगा कि एक माहरीन ने आपकी या दो माहरीन ने आपको राय दी अपने अल्फाज में वो आपके लिए एक आने वाले वक्त के लिए एक गोल्डन राय होगी कि उन्होंने अपने अल्फाज आपकी डायरी पर कलम बंद किए और उसका एक आपको अलग से रहनुमाई मिलेगी या कह लें कि लिखने की रेज एक अलग रेज है तो डिजिटली भी चीज़ों को सेव करें जो कि आजकल का ट्रेंड है लेकिन कलम के यूज़ को अमिट ना कीजिए कलम का यूज़ आपको बढ़ाना है और इस चीज़ को भी जायजे में रखना है कि माहरी की राय आपको अपने नोटबुक्स में ज़रूर लेनी है बाकी रिसर्च कीजिए लाइब्रेरीज़ को यूज़ कीजिए दोबारा अगर आप नहीं करते तो आप डिजिटली भी इसको यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरीज़ आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं और जो आपको मजीद डाटा चाहिए या हवालों के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं या आपको बुक्स की ज़्यादा समझ आती है तो माहन की राय बुक्स में से भी आपको मिल जाएगी अपने डाटे के हिसाब से आपने स्टडी करना चीज़ों को बाकी मुताल कीजिए ओवरऑल मुताले की बात नहीं हो रही है आपके शोबे के बारे में मुताले की बात हो रही है ताकि आप उसको बढ़ाते जाएं इन्फॉर्मेशन को तो एनालिसिस का बिल्कुल यूज़ बनाइए और इसको चेक कीजिए तो आपको ये ये मेरे पॉइंट्स काफ़ी फ़ायदा देंगे तो इसमें एंड पे मैं फिर कहूँगी कि अपने मुताले को डेवलप करें अपने कलम के यूज़ को डेवलप करें अपने वक्त का पॉजिटिव यूज़ करें और थोड़ा सा फ़ेसबुक की दुनिया से निकल कर व्हाट्सएप की दुनिया से निकल कर ये थोड़ा सा इस डाटे के बारे में जायज़ा लीजिए कि आपने पिछली लाइफ में पाँच साल काम किया दस साल काम किया पंद्रह साल काम किया तो आपके पास किन किन दफातर का कैसा कैसा डाटा मौजूद है ये इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आपकी एक पर्सनल काबिलियत में शामिल हो जाएगा आप कल को जहाँ भी अपने सिवे ले कर जाएंगे आप मुख्त हवालों के साथ ये सारी जजमेंट्स उन्हें अपनी दे सकते हैं और एक हाई लेवल पे काम करने वाले बंदे के काम ही सारे डाटे आते हैं आप समझ जाएंगे कि जैसे जैसे आपका डेजिग्नेशन इंक्रीज़ होगा तो आप ख़ुद से इस चीज़ को समझेंगे कि ये जो आज मैं बात कर रही कि अगर आप छोटे डेजिगनेशन पर हैं तो डेटा को सीखिए समझिए उससे फ़ायदा लीजिए तो आपके उहदों में भी फ़ायदा होगा आपकी पर्सनल काबिलियत में भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी मज़ीद सिखा सकेंगे जैसे मैंने इससे सीखा तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये बैठक का मकसद पसंद आएगा और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है तो अगर कोई पॉइंट कहीं से रह गया है आपको समझ नहीं आया हो या मज़द आप अबोरेशन चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कीजिए बहुत शुक्रिया